नमस्कार दोस्तों, मचिने वी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोल कंपनी के बारे में, और कितने वेसल्स हैं, कौन कौन से वेसल्स हैं और कैसी कंपनी है, इसके बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि कई बंदों ने कमेंट किया था कि भाई मोल के ऊपर वीडियो बनाओ। तो इसको बोलते हैं मिस्ती उई, ओएसके लाइन इसका नाम है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। मेन इसका ऑफिस है टोक्यो में, मेन जो कंपनी इसका ब्रांच है वो टोक्यो में इसका मेन ऑफिस है, और बाकी हर कंट्रीज में छोटे छोटे इसके ऑफिसेज हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑफिसेज हैं मोल कंपनी के। अगर आप मोल कंपनी को देखो तो इंडिया में मेन ऑफिस चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो ये जगह पे आपको ऑफिसेज मिलेंगे मोल कंपनी के। और कंपनी कैसी है इसके बारे में पहली बात तो बता दूँ, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और टॉप की कंपनी है, फुल रेटेड, हाई रेटेड कंपनी जिसको बोलोगे, फुल ITF कंपनी, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके सारे वेसल्स नए हैं। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो इसके पास आपको सारे के सारे नए वेसल्स मिलेंगे, एक भी पुराने वेसल्स नहीं है, जो कि 2005 के बिल्ड के सारे इधर ही हैं, 2006, 2007, 2008, और सभी में वाईफाई लगा है, और सारे के सारे UMS क्लास वेसल्स हैं। सारे मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी काम करने में, सब कुछ नया सिस्टम लगा हुआ है और काम करना बहुत ईजी है इस कंपनी में। और जो मोल कंपनी है और सिनर्जी कंपनी, आपने सुनी होगी, जो मोल और सिनर्जी ने पार्टनरशिप कर चुके हैं, बहुत पहले से किए थे वो लोग, और ये दोनों कंपनी मिल चुकी हैं। और इनका जो मेन ऑफिस है, जो मोल कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो चेन्नई में है। इंडिया में जो मेन इसका ऑफिस आपको मिलेगा देखने को, वो चेन्नई में मिलेगा। और इसके पास हर टाइप के वेसल्स मिलेंगे, जो मोल कंपनी आप लोग सुन रहे हो, इसके पास आपको गैस टैंकर मिलेंगे, टैंकर ऑयल टैंकर मिलेंगे, रोरो शिप है इसके पास, फेरीज और क्रूज शिप भी हैं इसके पास, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं। और लेकिन आपको ज़्यादातर इसके पास मिलेंगे आपको गैस टैंकर और ऑयल टैंकर, जो ज़्यादातर वेसल्स आपको मॉल के पास जाओगे देखोगे तो ऑयल टैंकर और गैस टैंकर मिलेंगे, और बल्क कैरियर भी वेसल्स हैं इसके पास। तो ओवरऑल हर टाइप के वेसल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके पास गैस और ऑयल टैंकर है। और सैलरीज के मामले में बता दूं यार, तो बहुत ज़्यादा सैलरीज दी है मोल कंपनी में। अगर आपका एक बार हो गया तो छोड़ने लायक कंपनी नहीं है। अगर एक बार कभी भी गलती से भी आपका इस कंपनी में हो जाए तो कभी भी इस कंपनी को छोड़ना मत, क्योंकि यार इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग वॉइनिंग सब आपको बराबर टाइम पर मिलता है, और अगर आपका इस कंपनी में एक बार हो जाए तो उसके बाद कभी मत छोड़ना ये कंपनी। और क्या बोलते हैं, सैलरी के मामले में बता दूँ तो ऑफिसर की बहुत ज़्यादा सैलरी जाती है इसमें। अगर आप कैप्टन लेवल पे हो तो 13,000, 14,000, 15,000 डॉलर तक आपको इस कंपनी में मिल जाएगी। क्रू लेवल पे हो, अगर ऑयलर और ABB हो, तो इस कंपनी में आपकी $2,200, $2,300 सैलरी जाती है। अगर मोल कंपनी में बता दूँ तो सैलरी बहुत हाई है यार, सैलरी के मामले में ये कंपनी एक नंबर की है। लेकिन इसमें होना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम में अगर मेरे को मिल जाए कंपनी, बहुत मुश्किल है। अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई कैप्टन वैप्टन रेफरेंस लगा दिया, अगर हो जाए बाय चांस, बहुत मुश्किल है, फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होता है यार ये कंपनी आपको नहीं लगी। लेकिन आपके पास अगर गैस टैंकर, ऑयल टैंकर, कोई भी वेसल्स का एक्सपीरियंस है तो इस कंपनी में ज़रूर ट्राई करो। अगर इस कंपनी में एक बार हो गया तो उसके बाद लाइफ सेट है आराम से यार। कोई मतलब इतनी अच्छी कंपनी आपको बता दूँ, इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। कई बंदे इसमें पछताते हैं कि मिल जाए हमको ये कंपनी, लेकिन लेती नहीं है जल्दी, बहुत मुश्किल से होता है इसका इंटरव्यू वगैरह आपको क्लियर करना पड़ेगा, पेपर भी होता है, तो वो सब क्लियर करने के बाद ही आपको इस कंपनी में जाके लेंगे। लेकिन अगर एक बार हो जाए तो उसके बाद छोड़ो मत, ये कंपनी बहुत हाई रेटेड कंपनी है यार, इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी मोल। तो आज के लिए बस इतना ही यार, जो भी होगा मेरे को कमेंट करना, कई बंदे मेरे से पूछ रहे थे मोल के बारे में, तो मैंने आज छोटी सी वीडियो बना दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।